महाराष्ट्र वन विकास निगम के कर्मचारियों ने राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर जनवरी 2016 से जून 2021 की अवधि के लिए सातवें वेतन आयोग की अंतर्राष्ट्रीय की मांग को लेकर 1 दिसंबर से भूख हड़ताल का आह्वान किया था। हिंगनाटी पॉइंट के पास निगम के संभागीय मुख्यालय के सामने धरना चल रहा है। इसी के तहत सोमवार को काम बंद आंदोलन भी किया गया। इसमें जयवंत गोविंद पवार, नीलेश रामकृष्ण मराठी, नीलेश लक्ष्मण पाटोरकर, अमित वामन राव पवार, नाना मच्छिंद्र भुजबल, प्रिया प्रभाकर जोगेकर जैसे कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं। अरविंद पगोटे, आतिश वार्षिक आदि भाग ले रहे हैं। यह आंदोलन नासिक, चंद्रपुर, मंडारा, यवतमाल, पुणे, किनफट, गोंदिया, ठाणे समेत नागपुर में भी चल रहा है। संगठन ने अगले 2 दिनों में मांगों का संतोषजनक समाधान नहीं होने पर 4 दिसंबर से काम बंद कर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग 2016 से लागू किया गया था। इसी तर्ज पर वानिकी निगम प्रशासन ने निगम के कर्मचारियों को जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग देने का प्रस्ताव निदेशक मंडल की बैठक में सरकार को सौंपा। एसोसिएशन का आरोप है कि वेतन आयोग के अंतर के लिए प्रशासन द्वारा 45 करोड़ रुपए का प्रावधान करने और निगम के लाभ में होने के बावजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को भुगतान करने में इस राशि का हेरफेर किया जा रहा है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसमें वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार एवं जल संरक्षण मंत्री संजय राठौड़ शामिल है। हालांकि एक साल बाद भी समिति का कहना है कि समिति ने कोई बैठक नहीं की है। इस बीच निगम के 650 अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं। महाराष्ट्र वन विभाग निगम अधिकारी संघ ने 2 दिन के भीतर वेतन आयोग के अंतर को लेकर संतोषजनक समाधान नहीं निकलने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। मेरा नाम कृष्णा गित्य है, मैं विभागीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष हूँ और जो हम यहाँ पे बैठे है जिसका जो हमारा इंतजार है वो हमारा सात वेतन का फर्क जो है जो शासन ने हमको 1 जुलाई 2021 से लागू किया, लेकिन जहां से सात वेतन आयोग की थकबाकी जो है 1 जनवरी 2016 से लेके 30 जून 2021 तक हमको चाहिए थी, अभी तक वो मिली नहीं है। इसके वजह से हमने शासन के दरबार में आज तक जो पाठपुरा के यूनियन के थ्रू 2 साल हो गए लेकिन कुछ उसका फल नहीं मिला हमको। इसके वजह से हम 1 तारीख से 3 तारीख तक अभी अन्नत्याग चालू है और कल से पूरा काम बंद आंदोलन चालू होने वाला है। आज मंत्री महोदय, वन मंत्री जो हमारे हैं सुधीर भाव मुनगंटीवार, उनके साथ मीटिंग होने वाली है। जो हमारे कार्यकारिणी के केंद्रीय कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी है वो गए हैं और उसमें क्या निष्पन्न होता है उसके हिसाब से कल का डिसीजन हम लेंगे। फिर भी इससे पहले भी जितने भी निवेदन दिए उसके हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने शासन दरबार में क्या हुआ कि 30 सदस्यीय कमेटी स्थापित की है, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, वन मंत्री साहब और संजय जी राठौर साहब मंत्री, ये 30 सदस्यीय समिति गठित की है। उसमें 1 साल हो गया फिर भी अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, एक भी मीटिंग नहीं लगी। इसके पश्चात हमको ये कदम उठाना पड़ा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हमारा यही है जो अनशन चालू है अनशन चालू रहेगा और कल से 4 दिसंबर 2023 से पूरा ऑल महाराष्ट्र जो भी हमारे एफडीसीएम यानी महाराष्ट्र वन विकास महामंडल का जहाँ जहाँ क्षेत्र है वहाँ वहाँ पे हम पूरा काम बनाने का 100% करेंगे। कैमरा पर्सन अजित कुवर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।